हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉइस पॉइंट। इस वीडियो में हम साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं, उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो भी, और इस वीडियो में मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये प्रीवियस परीक्षाओं में आए क्वेश्चन है और आगे भी रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन आप देखिए, खुद अपना आइडिया लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, इसमें पहले आप वीडियो को पॉज करिए, चारों ऑप्शनों को देखिए, फिर उसका राइट आंसर देखिए आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, समय मापक विज्ञान है, चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, होरोलॉजी। समय मापने के विज्ञान को क्या कहते हैं? होरोलॉजी, HOROLOGY, होरोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थ्री, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, तो चार ऑप्शन है, कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, ठीक है, वो तो भौतिकी की थी, अब ये रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसके भी चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में। इन्हें याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, लेज़र का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है लेज़र की? तो चार ऑप्शन है, अगर ये फुल फॉर्म आपके ठीक से समझ में आ जाती है तो आप इसे पढ़कर ही इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या किया जाता है? देखिए ये तो हिंदी में है, अगर ये इंग्लिश में लिखे होते तो आप बहुत आसानी से लगा सकते थे, अगर आपको फुल फॉर्म पता होता तब। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन डी है, ये इसका राइट आंसर है, उद्दीपित। उद्दीपित का मतलब होता है, यहाँ पर ये देखिए स्टिमुलेटेड, इसका इसे हिंदी में कहते हैं हम उद्दीपित, मतलब बहुत तेज़ पावर वाली लाइट एक लाइन में होकर जाती है, ये मतलब होता है उसका, स्टिमुलेटेड लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन सात है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरी गागरिन, ये कहाँ का था? रूस का। देखिए 1961 में रूस ने वोस्टोक फर्स्ट नाम के अंतरिक्ष यान में पहली बार मनुष्य को भेजा था, और उस मनुष्य का क्या नाम था? यूरी गागरिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये भी रूस की थी, यहाँ पर ध्यान रखिए पहले पुरुष और पहले महिला दोनों रूस के थे, और महिला का क्या नाम था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, तो ये सी इसका राइट आंसर है। ये कब हुई थी? 1963 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा एक क्या है? चार ऑप्शन है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है या उल्का है। ठीक है, अब तारा क्या होता है? देखिए तारे का खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, ग्रह में तो नहीं होती, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है, ये क्यों चमकती है? सूर्य के लाइट से चमकती है, खुद की तो लाइट नहीं है ना। तो चंद्रमा क्या है? ग्रह का, ग्रह जो होता है वो उपग्रह होता है, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? मैं आपको सेल दिखा देता हूँ, देखिए ये सेल है, आपने देखा होगा जो पहले रेडियो में लगाते थे या हम रिमोट में डालते हैं, तो वो ये सेल है, तो उसी सेल की बात कर रहे हैं, टॉर्च में ही वही सेल यूज आता है। अगर कोई सेल आपने तोड़कर देखा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही मटेरियल निकलता है, उसके अंदर बीच में काली रोट होती है और इसके चारों ओर एक मेटल होता है, चारों ओर इसके मेटल होता है वो क्या होता है? जिंक होता है। अंदर वाली रोट क्या होती है? ब्लैक वाली, ये ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बनिक होता है। तो बाहर जो होता है ये वाली लेयर जो होती है ये क्या है? जिंक। तो सेल होता है, उसके ऊपर कागज़ की एक लेयर होती है या पिन्नी की एक लेयर होती है, उसे जब आप हटाएंगे तो एक मेटल दिखेगा आपको, वो क्या होता है? जिंक। और अंदर जो रोड होती है वो कार्बन की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। इसे मैं और ठीक से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए एक जनरल सा इसका स्ट्रक्चर ये है, बीच में एक काली वाली रोड है, ये होती है कैथोड, इसे कहते हैं हम कैथोड, कैथोड का काम करती है। और जो अंदर जो चारों तरफ इसकी लेयर होती है मेटल की, वो होती है जिंक की लेयर, वो किस काम में आती है? एनोड के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIF का आशय है, इंग्लिश में देख लीजिए GIF, शायद इससे इसे देखकर आपको ध्यान आ गया होगा कि ये क्या होता है।
मतलब एक छोटी सी वीडियो होती है फोटो के रूप में, वो क्या होती है GIF। अगर आपने मोबाइल में जिप फाइल ओपन की होगी, उसे देखा होगा ठीक से, तो आप चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। चारों ऑप्शन पढ़िए, आप खुद ही इसका आंसर बता देंगे। देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरचेंज फॉर्मेट मतलब इंटरचेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है। चारों ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शनों को पढ़ने के बाद ही इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। देखिए मोबाइल में पोजीशन का तो पता लगाते हैं GPS से। नेक्स्ट है ATM से तात्पर्य है, ATM से क्या तात्पर्य है भाई, ATM के फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पर, तो क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियाम बीवर ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के लिए चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है ब्लैक होल के लिए, तो चारों ऑप्शन पढ़िए आप। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ब्लैक होल होता क्या है। देखिए केवल ब्लैक होल की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, बहुत अच्छी वीडियो, जिसमें आपको पूरा ब्लैक होल के बारे में पता चल जाएगा कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, सब समझ आ जाएगा उस वीडियो से, ठीक है। वो वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्लैक होल क्या है। देखिए ब्लैक होल तारे से बनता है, तब तारा जो स्टार होता है उसका अंत होता है, जब वो ख़त्म होता है तो ब्लैक होल बन जाता है। हर एक स्टार से ब्लैक होल नहीं बनता, किसी किसी से बन जाता है। देखिए ब्लैक होल का घनत्व और द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, और आपको पता ही होगा जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, वो उतना ही तेजी से दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ब्लैक होल का बहुत ही ज़्यादा द्रव्यमान होने के कारण ये सभी चीज़ों को, जो इसके पास वाली चीज़ें होती हैं, पास में जो भी चीज़ें होती हैं, सबको खींच लेता है। पास का मतलब जो भी इसके आकर्षण के क्षेत्र में आती हैं सबको अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि ये लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है, लाइट को भी वापस नहीं जाने देता, मतलब जो प्रकाश होता है उसे अवशोषित कर लेता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता। आपको कोई चीज़ कब दिखाई देती है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उसका प्रकाश फिर हमारी आंखों तक पहुँचता है, तभी तो वो वस्तु दिखाई देती है। अब मान लीजिए उस किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है और वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रहा, तो ब्लैक दिखाई देगी वो, कोई मतलब हमें दिखाई नहीं देगी, नहीं दिखाई देने का मतलब वो ब्लैक दिखाई देगी हमें, ठीक है। तो ब्लैक होल एक ऐसा ही होता है, ब्लैक होल तक प्रकाश तो जाता है, लाइट तो जाती है, लेकिन वापस नहीं आती, वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब इसके चारों ऑप्शन आप पढ़िए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं। सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। क्यों अवशोषण कर लेता है, क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा द्रव्यमान होने के कारण इसका आकर्षण बल भी बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है, वापस नहीं जाने देता। तो इसका राइट आंसर सी है, और डिटेल में मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको शुरू से आखिर तक इसके बारे में बताऊंगा होता क्या है ब्लैक होल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये चार ऑप्शनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी दिशा किधर की ओर होती है, सूर्य से दूर की ओर होती है इसकी दिशा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है, ये देखिए पुच्छल तारा है। अब देखिए धूम केतु या पुच्छल तारा एक ही बात है, चट्टान धूल और जमी हुई गैसों के बने होते हैं। सूर्य के पास आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं। मतलब देखिए, मतलब ये सन है, ठीक है, ये पुच्छल तारा आ रहा है, दिशा चाहे इसकी इस साइड में है, लेकिन इसके पास आने पर जो इसकी पूंछ की दिशा होती है, मान लीजिए यहाँ पहुँचता पहुँचता ये यहाँ पर आया, ठीक है, वो पूंछ की, इसकी पूंछ की जो दिशा होगी वो किधर होगी, दूर की ओर, जैसे कि इसे पूंछ की दिशा किधर है, इधर की ओर है, और सूर्य कहाँ होगा इसमें, इधर की साइड में होगा सूर्य, सूर्य से दूर की ओर इसकी पूंछ की दिशा होती है। अब ऐसे से घूमते 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 मान लीजिए तो इसकी दिशा, पूंछ की दिशा ऐसे ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी दिशा ऐसे रहेगी, इधर को पूंछ की दिशा इस साइड में होती है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी जब इधर को चल रहा है तो पूंछ की दिशा इस पीछे की साइड में होगी, पीछे की साइड में नहीं होती, सूर्य से दूर की ओर होती है। अगर यहाँ पर है ये, चल इधर को रहा है, तो पूंछ की दिशा किधर को होगी, इधर को होगी सूर्य के कारण, ठीक है। अब क्यों होती है मैंने आपको बता ही दिया, मतलब इसमें जो जमी हुई गैसें होती हैं और धूल के कण होते हैं वो सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं, और जो गैसें होती हैं सूर्य की रोशनी में वो चमकने लगती हैं। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और GK क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, सभी वीडियो आप देखिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।